नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बिग बॉस 14 में इस बार खूब सारे कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। जहां एक तरफ राधे माँ के घर में एंट्री होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू भी इस शो के लिए फाइनल है। इसी बीच अब खबरें जोरों पर हैं कि घर के अंदर आप सबकी फेवरेट छोटी बहू भी आने वाली। जी हाँ, टीवी की जानी मानी अदाकारा रुबीना दिलैक भी होंगी इस बार शो का हिस्सा। रुबीना दिलैक का जन्म 26 अगस्त 1987 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। रुबीना के पापा का नाम गोपाल दिलैक है और माँ का नाम शकुंतला दिलैक। रुबीना की दो बहनें हैं जिनका नाम रोहिणी और नैना। रुबीना दिलैक ने अपने स्कूल की पढ़ाई शिमला पब्लिक स्कूल और सेंट बीट्स कॉलेज से पूरी की। रुबीना के पापा चाहते थे रुबीना इंजीनियर बने, जिसके लिए रुबीना ने एग्जाम भी दिया, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट आने पर पता चला कि रुबीना अपने फिजिक्स के पेपर में फेल हो गए। 2006 में रुबीना ने शिमला में मिस शिमला का खिताब जीता था और 2008 में मिस नॉर्थ इंडिया चंडीगढ़ भी वो रही। रुबीना दिलैक ने अपने अभिनय की शुरुआत 2008 से की थी जी टीवी के सीरियल छोटी बहू सिंदूर बिन सुहागन से, जिसमें उन्होंने राधिका नाम की लड़की का रोल प्ले किया था। इस सीरियल में रुबीना के साथ एक्टर अविनाश सचदेव ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये सीरियल 2008 से 2010 तक टीवी पर दर्शाया गया। इस सीरियल से रातों रात रुबीना छा गई थी, जिसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी आया था। इस शो के साथ साथ रुबीना ने इस सीरियल के बाद कुछ वक्त इमेजिन टीवी के डांस रियलिटी शो नचले वे विद सरोज खान में भी भाग लिया। इस सीरियल के बाद 2012 में रुबीना ने सोनी टीवी के सीरियल सास बिना ससुराल में सिमरन और स्माइली गिल का किरदार निभाया था। रुबीना ने कुछ महीनों बाद ही इस सीरियल को अलविदा बोल दिया। इसके बाद 2013 में रुबीना को एक बार फिर जी टीवी के सीरियल पुनर्विवाह एक नई उम्मीद में मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला। इसके बाद रुबीना ने सुपरहिट शो देवों के देव महादेव में सीता का किरदार निभाया था। सीरियल जीनी और जूजू में भी रुबीना ने जीनी का किरदार निभाया। ये सीरियल सब टीवी पर दर्शाया जाता है। इस सीरियल के बाद रुबीना दिलैक ने कुछ समय तक टीवी सीरियल से ब्रेक लेने का फैसला लिया था। 2014 के बाद रुबीना दिलैक ने 2016 में कलर्स टीवी के एक सीरियल से वापसी की। इस सीरियल का नाम था शक्ति अस्तित्व के एहसास। इस सीरियल को 2016 से टीवी पर दर्शाना शुरू किया गया था। इस सीरियल में रुबीना के किरदार का नाम सौम्या सिंह है। ये सीरियल किन्नर समाज को दर्शाता है और जनता ने इस सीरियल को शुरुआत से ही बहुत पसंद किया। इस सीरियल में रुबीना के साथ जाने माने टीवी सीरियल के एक्टर विवियन दसेना मुख्य किरदार को निभा रहे हैं। इस सीरियल के साथ साथ रुबीना ने कलर्स चैनल के शो बॉक्स क्रिकेट लीग में भी भाग लिया। रुबीना जहां अपनी एक्टिंग के लिए काफी मशहूर है, वहीं दूसरी तरफ हॉट पर्सनालिटी के लिए उन्हें कुछ पदों में शामिल किया गया। 2017 में ईस्टर्न आई द्वारा जारी किए गए 50 सबसे सेक्सी एशियाई महिलाओं की लिस्ट में रुबीना का नाम शामिल। वहीं 2017 में रुबीना को ईस्टर्न आई की 50 सबसे सेक्सी एशियाई महिलाओं की लिस्ट में 10वें नंबर पर शामिल किया गया था। रुबीना दिलैक के लव लाइफ की बात करें तो उनका नाम सबसे पहले छोटी बहू के लीड एक्टर अविनाश सचदेवा के साथ जुड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को कुछ सालों तक डेट किया, लेकिन उन दोनों का रिश्ता एक समय पर आकर टूट गया। अविनाश से ब्रेकअप के बाद रुबीना दिलैक ने टीवी सीरियल के हॉट एक्टर अभिनव शुक्ला को डेट करना शुरू किया था। जून 2018 को अभिनव और रुबीना ने शिमला में शादी कर ली। दोनों की जोड़ी लोगों को बेहद पसंद आती। खबरें हैं कि रुबीना अकेले नहीं बल्कि अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ घर के अंदर आने वाली। वैसे आप इस शो में रुबीना को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।